चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जेई मेंस का ही, रूट से रिलेटेड क्वेश्चन ये भी है ना। मैंने पहले भी बोल रखा है, पहले लेक्चर वीडियो लेक्चर्स में भी बताया आपको कि सभी क्वेश्चन जितने भी हैं अल्फाबेटा से रिलेटेड है या नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन जब भी फोकस करें या ट्राई करें सॉल्व करने का, तो इस टाइप के सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। बाकी सभी कंसेप्ट भले ही छोड़ सकते हो, लेकिन इस कंसेप्ट से 100% क्वेश्चन आ रहे हैं और हर साल यही पूछा जाता है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो देखिए ये भी सेम फिर उस टाइप का ही क्वेश्चन है, सेम। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है ना, x स्क्वायर प्लस x sin थीटा माइनस 2 sin थीटा इक्वल टू 0, एंड यहां पे थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2, मतलब 0 टू पाई बाय 2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ये क्वेश्चन है, थीटा की वैल्यू, ठीक, जिसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके पॉजिटिव होते हैं क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है। देन आपको वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा की पावर 12 प्लस बीटा टू द पावर 12 अपॉन अल्फा की पावर माइनस 12 प्लस बीटा की पावर माइनस 10 इंटू अल्फा माइनस बीटा की पावर 24 इज, ठीक। ऑप्शन भी आपको गिवन है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन गिवन है। तो सॉल्व करते हैं, इजी क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका, है ना। तो अल्फा बीटा रूट्स हैं, तो पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस वन, देखिए यहां पे क्या होगा, साइन थीटा अपॉन वन, यानी साइन थीटा ही हो जाएगा, तो ये साइन थीटा हो गया। अल्फा इंटू बीटा ये हो जाएगा सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए, तो माइनस टू साइन थीटा, ये साइन थीटा, अल्फा प्लस बीटा साइन थीटा है और अल्फा इंटू बीटा माइनस टू साइन थीटा, ठीक। अब आगे देखिए इसको, फिर जो कंडीशन भी है इसको सॉल्व करना है, मैं कंडीशन तो जैसी है उसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें फिर, ठीक। तो यहाँ पे अल्फा की पावर 12 प्लस बीटा की पावर 12 अपॉन अल्फा माइनस 12 प्लस बीटा माइनस 12 इंटू में है आपका अल्फा माइनस बीटा की पावर 24, ठीक। ये आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करते ही इन माइनस वाले टर्म को सॉल्व करें एलसीएम लेके, फिर अल्फा की पावर 12 प्लस बीटा की पावर 12 अपॉन ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा 12 फिर 1 अपॉन बीटा की पावर 12, ठीक, और ये अल्फा माइनस बीटा ये 24। आगे देखते हैं, अब इसका एलसीएम लोगे तो आप एलसीएम लेने के बाद ये देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा बीटा की पावर 12, अल्फा की पावर 12 और अल्फा बीटा की पावर 12 हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, न्यूमरेटर का टर्म कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या हमारा, यहाँ पे अल्फा 12 मैं लिख देता हूं प्लस बीटा 12 अपॉन अल्फा बीटा 12 प्लस अल्फा 12 और ये एलसीएम का पोर्शन रहेगा हमारा, ये अल्फा 12 इंटू बीटा 12, फिर मल्टीप्लाई में चल रहा है, मल्टीप्लाई में ये टर्म है ही हमारी अल्फा माइनस बीटा की पावर 24। अब यहां से ये न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक, और ये टर्म हमारी ऊपर चली जाएगी न्यूमरेटर में, ये हो जाएगा आपका अल्फा 12 बीटा 12 अपॉन अल्फा माइनस बीटा की पावर 24। अब इसमें हम थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन यानी फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा माइनस बीटा, और ये हमने सॉल्व करके ये वैल्यू लाई, ठीक। अब इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा, न्यूमरेटर तो 12 रहेगा, डिनोमिनेटर में देख लेते हैं अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला। तो अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बताया था अभी पहले थोड़ी देर पहले, इसके पहले वाले वीडियो में भी एक क्वेश्चन इस टाइप का हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ठीक। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट है और पावर कितनी है इसकी 24, ठीक है, तो स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा आपका 12, ठीक। तो ये हो गया अल्फा इंटू बीटा की पावर 12 अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, इसकी भी वैल्यू डिग्री कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, ठीक। अब इसे सॉल्व करते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिख देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस 2 साइन थीटा, माइनस 2 साइन थीटा की पावर 12 हो जाएगा, ठीक। और डिनोमिनेटर में भी देख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना साइन थीटा, साइन थीटा की पावर 12 फिर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आपका 8 साइन थीटा,
और ये कंप्लीट डिग्री इसकी 12, ये स्क्वायर था और इधर क्या हो जाएगा इसकी डिग्री 12 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे इवन डिग्री है तो ये भी पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू साइन थीटा अपॉन में 2 इंटू साइन थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 8 साइन थीटा की होल डिग्री कितनी हो जाएगी हमारी 12 हो जाएगी। तो यहां पे हम साइन थीटा कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन ये साइन स्क्वायर है तो यहां पे एक साइन बच जाएगा हमारा, साइन थीटा प्लस 8 की पावर ये कंप्लीट 12 होगी, ठीक है। तो ऑप्शन में जो दिया हुआ था ऑप्शन सी सही था इसका, 2 to the power 12 अपॉन साइन थीटा प्लस 8 की पावर 12, इसका सी वाला आंसर सही था, जो सी आपको गिवन था वो सही था, बाकी सभी ऑप्शन रॉन्ग थे इसके।